हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिक पीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको इंतजार है कि अपना रिजल्ट का डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो डीएलएड सेकंड ईयर वालों को ज़्यादा इंतजार है कि इतने दिनों से वेट कर रहे हैं। 10 जून को आपका लास्ट एग्ज़ाम एंड हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग देखो 1 महीने 20 दिन आपका होने वाले हैं। तो रिजल्ट जो बता रहा है आपका SCERT, उस उन्होंने अभी देखो कोई मेन गाइडलाइंस नहीं दी है कि आपका रिजल्ट कब तक आया, बट देखा जा रहा है कि इस महीने के लास्ट 30 जुलाई तक आपके जो 4 डेज पड़े हैं, आज 26 तारीख है, 4 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आने की संभावना पूरी की पूरी है। अगर ये नहीं आया तो वो ओनली वो लास्ट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में डालेगा, क्योंकि पिछली बार जो रिजल्ट आया था वो अगस्त में ही आया था सेकंड ईयर का, इस एक के अकॉर्डिंग वो डाल सकते। और जो देखा गया था कि सितंबर में दो सितंबर को आपका आया था फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, तो उसके अकॉर्डिंग ये डाल सकता है। तो हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट के बारे में, तो ये आपका रिजल्ट है, ये हमने मैंने बता रखा है। इसमें देखो ये सेकेंड ईयर का रिजल्ट मैंने गेस किया है कि 30 जुलाई तक, अब लास्ट डेट इससे ऊपर नहीं जाएगी। इसमें आप फर्स्ट वीक लगा सकते हो अगस्त का, अगस्त के फर्स्ट वीक में भी आ सकता है आपका ये, मगर उससे आगे कोई डेट नहीं जाएगी। ये जल्दी से जल्दी इन्होंने अपना प्रोसेस भेज दिया रिजल्ट के लिए, बस इनको अपलोड करना बाकी, उन्हीं में इनकी जो टाइम ज़्यादा लग रहा है। और जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट मैंने बताया 10 अगस्त का के बाद आएगा, 10 अगस्त जैसे कि आपका सितंबर भी जा सकता है, मगर सेकेंड ईयर के बाद ही आएगा 10 या 20 दिन बाद। ये आपकी बात हुई। दूसरी बात जैसे कि आपको मैं बता दूँ, रिजल्ट की वेबसाइट जैसे पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि STTP, ये आपका जो ऑनलाइन प्रोसेस इन SCERT कॉलेज मार्कशीट में आपका आएगा, तो इसको आप फोटो खींच के आपको क्लिक लॉगिन कर सकते हो, तो ये आपका वेबसाइट है जिसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तीसरी बात हमारी कि जो पास और फेल परसेंटेज की हमने जो अप्रोक्स लगाया कि जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में जो पास हुए 95% बच्चे को पास कर दिया गया है, जो टीचर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। कुछ ही बच्चे हैं जिनको फेल तो नहीं मान सकते इसमें, रीअपेयरिंग एग्ज़ाम के लिए वो अपेयर होंगे, जो आफ्टर रिजल्ट के 2 महीने बाद होता है। आप सीधे नेक्स्ट ईयर जो बच्चे एनुअल का एग्ज़ाम देते हैं उनके साथ आप दोगे। और इसका प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जब 4 एग्ज़ाम में अगर आप रीअपेयर आपके फेल मार्क्स आते हैं तो आपको दोबारा से डाइट करनी पड़ेगी, ये रूल एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ है डाइट के। तो ये आपका मेन हो गया पॉइंट, तो इसमें कोई भी डाउट हो ये आपको पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तीसरा आपका जो है रीअपेयरिंग एग्ज़ाम का मैंने बता दिया आपको, एग्ज़ाम इज़ आफ्टर 2 मंथ फ्रॉम योर रिजल्ट के, आप 2 महीने बाद होता है ये। नेक्स्ट ईयर एनुअल एग्ज़ाम के साथ भी आप दे सकते हो जो 2023 में होगा। तो देखो रिजल्ट की अब बात की जाए तो जल्दी आपका आ जाएगा, उसका वेट थोड़ा सा और कीजिए और ज़्यादा दिक्कत नहीं। और बाकी जो भी आपकी गाइडलाइंस है, आगे के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, DSSSB का भी आपका जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए भी आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।